आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने फिर आरोप लगाया है कि भाजपा और एलजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मारने की साजिश कर रहे हैं। संजय सिंह ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल कई बार 50 के नीचे पहुंच गया था। यह रिपोर्ट किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी के जेल प्रशासन के डॉक्टर द्वारा ही उपलब्ध कराई गई है। बीजेपी के एलजी और जेल प्रशासन बार बार दिल्ली सीएम की तबीयत को लेकर झूठ बोल रहे हैं। यह हत्या के प्रयास का मामला भी हो सकता है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी देश की सरकार और दिल्ली के एलजी मिलकर अरविंद केजरीवाल की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, किस तरह से जेल में उनको मारने की साजिश रची जा रही है। आज एक एक करके बिंदुवार आपको वो सारी बातें बताऊंगा। और आज कोई भी बात प्रमाण और तथ्य के परे नहीं बल्कि सबूतों के साथ जो कागजात जेल की अथॉरिटीज ने कानूनी रूप से उपलब्ध कराए हैं अरविंद केजरीवाल जी के वकील को, उन कागजातों के आधार पर आपसे बात करेंगे। और यह मेडिकल रिपोर्ट बताने के लिए काफी है कि अरविंद केजरीवाल के साथ कोई भी अनहोनी घटना किसी भी दिन जेल के अंदर घटित हो सकती है। और बार बार जिस तरह से एलजी और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर गलत बयानबाजी कर रही है, गलत रिपोर्ट जारी कर रही है, जिस प्रकार से केंद्र की सरकार के साथ मिलीभगत करके दिल्ली के एलजी और भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उससे ये शक और मजबूत होता है और पुख्ता होता है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।